कैथल के गांव सिरटा में 3 दिन से बिजली बंद है, जिस कारण ग्रामीणों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात से खफा ग्रामीणों ने आज विधायक लीला राम के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में ही बिजली का ग्रिड लगा हुआ है, फिर भी गाँव की लाइट 3 दिन से बंद है। ग्रामीणों ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताया है। 3 दिन हो गए लाइट नहीं चल रही है। 3 दिन में हमारा लेवर हम ग्रेड में जावा आगे तो लाइन कैंसिल लग रही है, अनमाना गुमराह करने लग रहे हैं, कह दे क्रॉसिंग होगा क्रॉसिंग करके बंद कर रखी है। मारा गांव का फर्श माजर है कि खेड़ी तो लाइन 3 खंभे कटे उठे तक नहीं करते, मारा 5 किलोमीटर पे लाइन ले जिरके उन्हें कह दे क्रॉसिंग होगा। जब बराला डेरा में वाले गए उस तक भी आगे किसी नाली कुई तक आगे ले गए लाइन तक ही कह दें बोले एक कलावा अगर क्रॉसिंग बदती रहे और वह कहते रहे मारी लाइन पे न्यू नहीं बेरा कितनी जोड़ दी। हमने कह लिया रही 3 दिन हो गए महाराज पानी नहीं जावता, कल गांव ने इकट्ठा हो गया आगे फर्श माज रहे कि कोई जबराला डेरा के जम्फर कैट दिए, उन्होंने आगे तो आगे कह दिया। फिर मैं इस लैके कि बोले सीटें की चल रही मारी चलनी चाहिए ई भी, इसलिए विधायक पाए कल आश्वासन दवा दिया था DSP साहब गए थे एक्शन गए थे शाम ने 7 बजे कि भाई माँ हमें लाइन चलवा देंगे सिरटे की लाइट चल देगी, वह फिर भी नहीं चली। हमने कहा भाई नहीं चल दी जे नहीं सही, मारे भी बच्चे हैं तेरे भी बच्चे हैं यहाँ हो लेंगे। सुभाष चंद्र जी गांव सिरटा है जी, 36 घंटे हो गए मारा लाइट आई, बच्चे भी हैं डांगर भी हैं पशु भी हैं सब कुछ है, गाँव में पानी चाहिए जी, पानी की समस्या हो रही है, पानी कहाँ कहाँ से लेकर इन्ना खेतों की चल रही जी ना गाँव की चल रही, पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता इस गर्मी में, बताओ कौन रह लेगा। इसीलिए हम विधायक के पास आए, विधायक डांसवास ने अच्छा दिया है कि आपकी लाइट ठीक हो जाएगी, तो देखो जी आगे क्यों हो गई। बहुत समस्या आ रही है बिजली तरफ, तो हमारा गांव सबसे पिछड़ा है, हमारा गांव में लाइटों सारी 10 घंटे आवे और 10 घंटे में भी जब मर्जी कट मारते हैं, चुगरदा के गाँव में कोई फ्यूज भी उड़ रहे हो जब भी हमारा गाँव की लाइट काटी जाए, मारा गांव का ग्रेड मारे गांव में लाइट नहीं आंदी तो ग्रेडो बंद कर दो मारा गांव का। अनदेखी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सारी अनदेखी हो रही है मारा गांव में, तो सारे परेशान है। वहीं इस मौके पर विधायक लीला राम भी ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्या को सुना। वहीं विधायक ने भी बिजली विभाग से बातचीत करके ग्रामीणों को बिजली दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। सिरटा गांव के सारे लोग आए, इसमें 3 सरपंच हैं नए पुराने, और इनकी एक प्रॉब्लम थी कि इनके गांव की जो 24 घंटे वाली लाइट है उसमें दूसरे और एरिया जोड़ दिए होंगे और उसमें गांव की लाइट बाधित हुई है। मैंने ऐसी सोमवीर सांगन से बात करके और गांव वालों को ये आश्वासन दिलाया कि आपकी लाइन में कोई छेड़खानी नहीं होगी, सिरटा गाँव की लाइन वो अलग चलाएँगे, और ऐसे सब ने भी आश्वासन दे दिया कि किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी इनकी गांव की 24 घंटे वाली लाइट में। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में 3 दिन से बिजली गुल होने से ग्रामीण बेहद रोष में हैं, जिस कारण उन्होंने विधायक लीला राम के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीण संतुष्ट नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।